आइए सो के चिपकली, आज बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि हम रो पीरो और उसके दोस्तों को तुम्हारी स्टोरी सुनाएगा। उड़ी बाप रे, तुम अपने इस प्यारे से दोस्त को मत सताना और मेरी स्टोरी किसी को मत बताना। आइए, मुझको गुलाब जामुन पसंद नहीं, लेकिन आज उसको भी खाऊंगा और तुम्हारी स्टोरी जाके सबको बताऊंगा। उड़ी बाप रे, इस मटेंट को रोकना होगा। मटेंट मेरे प्यारे दोस्त, बचपन की स्टोरी मेरी किसी को मत बताना रे। आइए सुखी चिपकली, आज हम बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज हम 10-10 समोसे खाऊंगा, लेकिन तुम्हारी स्टोरी सबको बताऊंगा। अरे ससुरा, आज सुबह से हाथ में बहुत जोरों से खुजली हो रहा है। अगर वो मटेंट आ जाए तो मैं उसकी चटनी बना दूंगा। ओ तेरी ससुरा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उस मटेंट को मारने में बड़ा मजा आता है। अरे नहीं, ये बड़ी गलत बात है, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अरे हाँ, सुपर हीरो बिल्कुल सही कह रहा है, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमको तो बल्कि झगड़ा करना चाहिए। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा, आज से मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगा, बल्कि मैं सबसे झगड़ा करूंगा। रो पीरो और उसके दोस्तों वहाँ पर खड़े हैं, चलो हमको भी चलना चाहिए। अरे रो पीरो भाई, आज हम आपको कुछ बहुत जरूरी चीज बताऊंगा। उड़ी बाप रे, मटेंट मेरे प्यारे दोस्त, प्लीज मेरी स्टोरी इनको मत बताना। अरे भाई क्यों मत बताना, अरे मटेंट बताओ तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। आइए रो पीरो भाई, आज मैं आप सभी को इस सूखी छिपकली यानी कि बाइक ट्रांसफॉर्मर की पूरी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, बड़ा मजा आएगा। उड़ी बाप रे, मामूनी इनको मेरी स्टोरी मत बताना, ये लोग मेरी स्टोरी सुन के बहुत ज्यादा हंसेंगे। अरे क्या कहा, इस सूखी छिपकली की स्टोरी, चलो फटाफट से इसकी स्टोरी सुनाओ, मुझे इसकी स्टोरी सुननी है। आइए सुपर हीरो भाई, मैं आप सभी को इसकी स्टोरी सुनाता हूँ, तो चलो इस सूखी छिपकली की स्टोरी को शुरू करते हैं। आइए जी, ये उस समय की बात है जब ये बाइक ट्रांसफॉर्मर नहीं हुआ करता था, तब इसका नाम चिंटू था और ये वाइस टाउन जैसे एक गांव में रहता था। आइए, चिंटू एक नंबर का गरीब था और उसके पास पहनने को कपड़ा भी नहीं था। एक दिन चिंटू बीच पर घूमने के लिए आया तो चिंटू ने सोचा कि क्यों ना किसी को मार के उसे लूट लिया जाए। आइयो, इतना सोचने के बाद चिंटू को सामने से एक अमीर आदमी आते हुए दिखाई देता है, तो चिंटू भागते हुए उसके पास जाता है और उससे लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है, और वो चिंटू उसको मार मार के वहीं पर ढेर कर देता है, और उसे मारने के बाद वो उसके सारे पैसे लेके वहाँ से फुर हो जाता है। आइयो, अगले दिन की सुबह चिंटू दोबारा से बीच पर आता है, फिर चिंटू सोचता है क्यों ना आज फिर से किसी को लूटा जाए। लेकिन चिंटू जैसे ही वहाँ पे आता है तो उसको वहाँ पर एक साइकिल दिखता है, तो चिंटू उस साइकिल को उठा के वहाँ से चोरी करके ले जाता है। आइए, साइकिल को चोरी करने के बाद चिंटू के दिमाग में एक आइडिया आता है, चिंटू उस साइकिल को एक गुंडे को बेच देता है, जिसके बदले में वो गुंडा उसे खूब सारे पैसे देता है और चिंटू उन पैसों को लेके वहाँ से चला जाता है। आइए, अब चिंटू को लालच आ चुका था तो चिंटू अगले दिन फिर से बीच पर आ जाता है और देखता है कि वहाँ पर कोई गाड़ी या फिर साइकिल खड़ा है क्या, तो चिंटू को वहाँ पर एक बाइक दिखाई देता है, तो चिंटू चारों तरफ देखता है, जब वहाँ पर कोई भी नहीं होता तो चिंटू उस बाइक को लेके वहाँ से चला जाता है। आइए, चिंटू उस बाइक को चुराने के बाद सोचता है क्यों ना मैं इस बाइक को भी बेच दूं, इसके बदले मेरे को बहुत सारा पैसा मिलेगा, तो चिंटू एक गुंडे के पास और जाता है और वो गुंडा उस बाइक के बदले उसमें 50,000 रुपए देता है। आइए, 50,000 रुपए देख के चिंटू बड़ा खुश होता है और वो 50,000 रुपए को लेके वहाँ से निकल जाता है। आइए, अब चोरी की गाड़ियाँ बेच बेच के चिंटू बड़ा अमीर हो गया था और चिंटू ने नए कपड़े भी ले लिए और अपना एक अच्छा सा हेयर स्टाइल भी करवा लिया, तो चिंटू को अब दोबारा से और ज्यादा लालच आ जाता है, तो वो बड़ा हाथ मारने की सोचता है। आइए, उस दिन बीच पर एक बहुत गजब का वैन खड़ा था जो कि देखने में काफी ज्यादा महंगा लग रहा था, तो चिंटू ने बिना सोचे समझे उसके अंदर बैठ के उसे वहाँ से भगा ले गया और दोस्तों उसने उसको भी बेच दिया। और फिर अगले दिन चिंटू दोबारा से बीच पर आया तो उसको वहाँ पर एक रोडस्टार कार मिली। आइए, चिंटू उस कार के अंदर बैठ जाता है और उस कार को लेके वहाँ से पुर हो जाता है और जिस आदमी की वो कार थी वो बेचारा पीछे से चिल्लाता रह जाता है। आइए, फिर एक दिन उस बीच पर एक तांत्रिक अपनी जादुई बाइक को लेके वहाँ पर घूमने के लिए आता है और जादुई बाइक को वो वहीं पर खड़ी कर देता है और वहाँ पर बाइक को खड़ी करके वो तांत्रिक घूमने के लिए निकल जाता है। आइए, तांत्रिक इधर घूमने के लिए निकल जाता है और पीछे से चिंटू उधर आता है और उधर आते ही चिंटू को वो बाइक दिखता है, तो चिंटू को वो बाइक बड़ा अच्छा लगता है, तो चिंटू पटापट से उस बाइक को उठा के वहाँ से पुर होने की सोचता है, तो वो उस बाइक के ऊपर बैठ जाता है और उस बाइक को लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। आइए, अब शाम हो चुकी थी तो तांत्रिक अपने घर पर वापस लौटने की सोचता है, तो वहाँ पर तांत्रिक जैसे ही अपनी बाइक के पास आता है तो यहाँ पर कोई भी बाइक नहीं थी। ये देखकर तांत्रिक को बड़ा गुस्सा आता है और तांत्रिक समझ जाता है कि किसी ने उसकी बाइक को चुरा लिया।
आइए ये सब देख के तांत्रिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर तांत्रिक सोचता है कि वो अपने काले जादू से जिसने भी उसकी बाइक को चुराया है उसको बहुत अच्छा सबक सिखाएगा। तो तांत्रिक अब अपना जादू चालू कर देता है। आइए इधर तांत्रिक अपनी जादुई चड़ी को हाथ में लेके जादू कर देता है और जादू करने के बाद जो होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। चिंटू अपनी बाइक लेके जा रहा होता है। जैसे ही तांत्रिक जादू करता है तो चिंटू की बाइक एकदम से अकेली हो जाती है और चिंटू खुद एक बाइक बन जाता है। ये देख कर चिंटू बहुत ज्यादा डर जाता है। आइए फिर चिंटू को वहाँ पर तांत्रिक की आवाज़ सुनाई देती है और चिंटू सारा मामला समझ जाता है कि उसने किसी तांत्रिक की गाड़ी को चुरा लिया और उस तांत्रिक ने अब उसे हमेशा हमेशा के लिए एक बाइक बना दिया। और चिंटू दरअसल एक बाइक नहीं बल्कि एक बाइक ट्रांसफॉर्मर बन चुका था और अब चिंटू कभी भी इंसान नहीं बन सकता था, वो हमेशा हमेशा के लिए बाइक ट्रांसफॉर्मर बन चुका था। दरअसल चिंटू की सजा यही थी क्योंकि वो एक नंबर का चोर था। तो दोस्तों आप सभी को आज की स्टोरी बड़ी अच्छी लगी होगी, क्यों रो पीरो भाई आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी? अरे मटेंट तुम्हारी स्टोरी काफी ज्यादा शानदार थी और तुम्हारी स्टोरी से तो हमें एक शिक्षा भी मिलती है कि हम लोगों को कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। क्यों फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो दोस्तों अगर आप सभी को भी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों आज की वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियोस रोजाना देखने को मिले। और हाँ, इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर से शेयर कर देना।